नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने आप पार्टी के संजय सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की 60 पन्नों की चार्जशीट। दिल्ली की तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से भर्ती हुए 50 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। इन सभी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 30 नवंबर को एक महीने का नोटिस देकर किया गया निलंबित। खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें की गई प्रभावित, लगभग 18 फ्लाइट्स को आसपास के शहरों में किया गया डायवर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पत्र में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप समेत तमाम अवैध कारोबार से जुड़े सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट पर बैन लगाने की मांग। पंजाब में बड़ा गन्ने का रेट, 11 रुपए की बढ़ोतरी को सीएम मान ने बताया शुभ संकेत, तो किसान ने किया अस्वीकार। नाराज किसान ने हाईवे जाम करने का किया ऐलान। मातम में बदली शादी की खुशियां, राजस्थान के चूरू में हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 बच्चों सहित 4 लोगों की हुई मौत। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश से टकराएगा मिचोंग तूफान, तेज बारिश का अलर्ट जारी। वहीं नागपट्टनम में 100 मीटर पीछे खिसका समुद्र। तमिलनाडु में ईडी का अफसर 20 लाख की रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार, डॉक्टर से मांगे थे 51 लाख। 5 महीने में सेंट्रल एजेंसी का तीसरा अफसर आया कब्जे में। न्यूजीलैंड में 3 खालिस्तानियों को हुई सजा, भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या की साजिश रची थी। इसराइल हमास का सीज फायर हुआ खत्म, इजरायली सेना ने गाजा में की बमबारी। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी देखने को मिली, सोना 62,728 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, तो चांदी भी 76,000 रुपए किलो की हुई पार। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए बढ़े, तो मस्क के टेस्ला ने 4 साल बाद साइबर ट्रैक किया लॉन्च। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने नवंबर में जीएसटी से 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो पिछले साल से 15% ज्यादा रहे। लगातार 9वीं बार मंथली कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में चल रहे एक्सपो कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। वहीं इस मौके पर तमाम फरीदाबाद के उद्योगपतियों की तरफ से बिजली मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि एक्सपो का ये तीसरा कार्यक्रम है जिसमें एक एक छत के नीचे सभी उद्योगों के उत्पाद को देखने का मौका मिलता है, और फरीदाबाद एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें प्रदेश के अंदर एक अहम भूमिका है। चाहे रोजगार देने की बात हो या फिर रेवेन्यू की बात हो, फरीदाबाद हर मामले में बढ़ चढ़कर आगे रहता है। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ फरीदाबाद में एक आईएमटी एसोसिएशन ने प्रमोद राणा जी और सारे उद्योगपतियों ने अच्छी शुरुआत यहाँ पर सेकेंड है ना ये थर्ड तीसरा एक्सपो यहाँ पर लगाया है, और मुझे हर इनके एक्सपो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक छत के नीचे फरीदाबाद में जितना हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्रियां हैं, सबका जो उत्पादन है एक छत के नीचे सबको देखने का मौका मिलता है। और फरीदाबाद क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और हरियाणा की जीडीपी में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो रोज़गार देने का मामला हो, चाहे रेवेन्यू देने का मामला हो, चाहे और दूसरे जीडीपी का मामला हो, बहुत बड़ा टैक्स के रूप में फरीदाबाद से जाता है नौजवानों को। और नई तकनीक के साथ साथ यहाँ के उद्योग बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहे हैं, और आदरणीय मोदी जी की सरकार में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी क्रांति आई है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव कभी देखने को नहीं मिला। आज मतलब व्यापार का इससे बढ़िया मौका व्यापारियों के पास कभी ना रहा ना रहने वाला है। फरीदाबाद, मैं जॉइंट पंजाब की बात कर रहा हूँ, जब पंजाब हरियाणा एक था तब भी फरीदाबाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था, गुड़गांव रेवाड़ी ये सब बात क्यों आई है, और पेरेंट ये रहा है, तब से इंडस्ट्रीज का बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया,
जितना कभी 1600 साल में आदमी ने जितना ज्ञान अर्जित करा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में हो गया। जितना 150 साल में नॉलेज अर्जित करा वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 18 साल में, जितने 18 में है वो आज 5 साल में हो गया। IMT एक बहुत बड़ा माइलेज लेके जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। जैसे मोदी साहब का स्टार्टअप का मामला है उसमें सबसे पहले पिकअप करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और मानेसर, पलवल, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। आज पूरे देश का जब भी कोई आदमी इंडस्ट्री आता है सबसे पहले देखता है पावर पोजीशन क्या है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, प्रधानमंत्री जी का करूँगा कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में इसको एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस पॉइंट बना दिया। हमेशा परिवार पहचान पत्र में नई नई दिक्कतों के साथ उनका समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल इसी के तहत अब परिवार पहचान पत्र में नाम काटने का विकल्प भी दे दिया गया है। बता दें कि इसके तहत परिवार पहचान पत्र में जुड़े किसी भी अनजान व्यक्ति, बेटे बेटी की शादी होने या तलाक होने पर भी नाम कटवाया जा सकता है। नाम कटवाने के लिए संबंधित कागजात भी जमा कराने होंगे। और तो और पहचान पत्र में किसी अनजान व्यक्ति का नंबर जुड़ा है तो उसे भी CSC के जरिए आवेदन करना होगा और इसके लिए एक शपथ पत्र भी साथ लगाना होगा। इसमें बताना होगा कि संबंधित व्यक्ति उसके परिवार से है या नहीं। हरियाणा में पिछले 3 साल की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामले सबसे कम सामने आए हैं। दरअसल साल 2023 में 15 सितंबर से 30 नवंबर तक पराली जलाने के 2303 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के मुकाबले 37%, 2021 के मुकाबले 67% और 2020 की तुलना में 45% कम है। दरअसल ये आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों में अंकुश लगाने के लिए काफी हद तक सफलता प्राप्त की है, मगर वायु प्रदूषण की जंग में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लगातार बोर्ड कदम उठा रहा है जिनके परिणाम आने में अभी कुछ समय लग सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा पहला फोकस पराली जलाने के मामलों में कमी लाना था। अब समय पर मिलेगी बिजली विभाग की 21 सेवाएं, देरी होने पर अधिकारी पर लगेगा जुर्माना। दरअसल हरियाणा सरकार ऊर्जा विभाग की 21 सेवाओं को भी सेवा का अधिकार दायरे में ले आई है। दरअसल विभाग को ये सेवाएं तय समय सीमा तक देनी होंगी। इसके साथ ही सरकार ने इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारी और प्रथम द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी तय कर दिए हैं। वहीं सरकार ने सरकारी विभागों के 655 सेवाएं पहले से ही सेवा का अधिकार के तहत अनुसूचित कर रखी हैं। इन सेवाओं और योजनाओं का लाभ तय समय पर देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के वेतन से जुर्माना काट दिया जाएगा। हरियाणा में आड़तियों और श्रमिकों के फंसे करोड़ों रुपए अभी तक नहीं हुआ सरकार की ओर से भुगतान। दरअसल प्रदेश में धान खरीद बंद हो चुकी है, मगर अभी तक करनाल समेत विभिन्न जिलों के आड़तियों को ना तो कमीशन मतलब आड़त राशि मिला है और ना ही श्रमिकों को मजदूरी। आड़तियों और मजदूरी मिलाकर करनाल के करीब 80.49 करोड़ और पूरे प्रदेश के 482.52 करोड़ रुपए सरकार के पास फंसे हुए हैं। अब सरकार अनाज मंडी आड़तियों एसोसिएशन ने 10 दिन के भीतर ब्याज सहित आड़त और मजदूरी देने की मांग की है, जिसमें आड़तियों ने सरकार से 10 दिन के अंदर ब्याज समेत बकाया मांगा है। मजदूर समय पर मजदूरी नहीं मिलने पर उधार लेकर अपना राज्य लौट रहे हैं। 5 राज्यों में बनेगी भाजपा की सरकार, यह कहना है कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुज्जर का। दरअसल कैबिनेट मंत्री ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजे पर कहा कि जिस प्रकार से रुझान दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, निश्चित रूप से 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं जहरीली शराब कांड मामले में पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी विजन है, जिसका साकार होने से भारतीय वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया,
तो वहाँ तो उनके अच्छे परिणाम की निश्चित तौर से उम्मीद ही हमें कि अच्छा परिणाम आएगा, और जो एग्जिट पोल है वो भी हमें दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी। और राजस्थान में जिस प्रकार की कारगुजारी कांग्रेस की रही, तो निश्चित तौर से वहाँ मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। घोटाला है वो सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला है, और उसकी जाँच करना, उसकी बारीकियों को देखना ये ज़रूरी है, तभी तो कोर्ट में सिद्ध कर सकोगे। उसके तथ्य तो होने चाहिए ना कोर्ट में सिद्ध करने के लिए, तो वो उस हिसाब से जांच हुई। अब आपको उनको लग रहा है कि शायद उनके साथ ही ये, तो इसको उसके साथ कैसे तुलना करेंगे। ये एक आपराधिक गतिविधि है एक व्यक्ति की, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक आपराधिक गतिविधि की और एक ऐसी शराब उन्होंने बनाई दी जिसने जान लेने का काम किया, तो सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और जितने लोग थे सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो उसकी जाँच की जरूरत तो तब थी अगर उसमें देरी होती और वो लोग ना मिलते, तो तब किसी दूसरे एजेंसी को देने की जरूरत थी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें, कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।